सबसे पहले जो न्यू सब्सक्राइबर हैं, जिन लोगों ने रिसेंटली मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, तो थैंक्स। जिन जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किया, तो थैंक्स दिल की गहराइयों से, थैंक्स। बलूची में कहते हैं ना, मिन्नतवार, बस सलामत रहो। और कल हम कहते हैं सैंड आर्ट। सैंड आर्ट एक आर्ट है जो रेत से बनाते हैं, मुजस्मे वगैरह। तो वहां पे क्या किया क्या नहीं किया आप वो देखें, फिर आपसे मिलते हैं। बहार पुल्ले मना जिमिस्तान महंगारो आस तवे गोलेस्तान चिरागे चम्बे भी तो तहारे ममुर तगियास तवे जलक्षण वती मशोहा जरंतरा दी के मन तवा तो मनी दिलो जा तो साहो वस में तो हम नफस में। तो अभी हम सैंडर्ट जो सैंडर्ट बन रहा है तो उसके पास करें, आप पीछे देख सकते हैं सैंडर्ट बन रहा है। तो अभी हम यहाँ पे सैंडर्ट को कैप्चर कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है आगे। ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाऊंगा, ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए आवाज़ ख़राब हो जाएगा, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। जी हाँ, पता है मुझे कि मेरी उर्दू इतनी खास नहीं है, तो प्लीज़ उर्दू को थोड़ा नज़रअंदाज कीजिए, ब्लॉग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, इंशाल्लाह उर्दू को इम्प्रूव करेंगे। बस अभी ठान लिया है कि ब्लॉग उर्दू में बनाना है। मका गदानी तहार कैसा तो दफ्तराने तो नूर दास्तान तो यको तहना सर जमो बर जम मना के भी तो भी सारो साम बहार पुल्ले मना जिमेस्तान महंगारो गोलेस्तान चिराग चम्बे भी तो तहारे ममुर तगियास्तवे जलक्षण हम 2 बजे गए थे और वापस आए सनसेट के बाद। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, 2 बजे गए थे और वापस सनसेट के बाद आए। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सैंड आर्ट बनाने में कितना आर्डर लगता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जबीला, मैं गड्डानी से ताल्लुक रखता हूँ, डिस्ट्रिक्ट लसबिला से, और मेरा ग्रुप है मरूम राशिद अकबर गड्डानी, जो मेरा उस्ताद था, तो उसके नाम से मैंने अपना ग्रुप बनाया। तो इसमें इस ग्रुप के 4-5 मेम्बर हैं, और सबसे पहले मैं एडमिन जबीला, उसके बाद सेकंड एडमिन काशिफ काश जो मरूम के भाई हैं, इसके बाद मेरा एक छोटा भाई है समीर शौकत, और एक चौथा
मेंबर है कबीर कबीर अहमद कबीर अहमद, और मैंने सेंटर अपने उस्ताद से सीख लिया था। तो सन 2006 में कुछ इंटरनेशनल के आर्टिस्ट आए थे, उसी टाइम पे मेरा उम्र भी काफ़ी कम था, छोटा था, मैं तकरीबन आठवीं जमात में पढ़ रहा था। तो उसी टाइम पे इंटरनेशनल के 36 मालिक के मुख्तलिफ आर्टिस्ट आए थे, इसमें सैंडा स्क्रिप आर्ट और स्केच आर्ट, यानी बहुत सारे आर्टिस्ट थे। तो मैं उस टाइम में खास नहीं था, तो मेरे को ज़्यादा यादाश्त भी इतना खास नहीं था। तो मेरे उस्ताद मरहूम राशिद अकबर भी वहाँ आता जाता था। तो मैंने अपने मरहूम राशिद अकबर से, जो मेरे उस्ताद थे, उससे मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी है। तो उसके बाद नॉर्मली कभी कभार रोड किनारे पे आता जाता था, मैं साइंडास वगैरह कटाई बीच में बनाता था। उसके बाद चलते चलते मैंने तो छोड़ दिया था, मेरे उस्ताद भी एक्सीडेंट हुए थे। तो 2012 में 25 दिसंबर हमारे सीनियर आर्टिस्ट पसीने से ताल्लुक़ रखने वाले सर ज़ुबैर मुख्तार साहब और सर बहर अली गौर साहब और सर हुसैन जेब साहब, तो उसने उन लोगों ने मिलकर एक सेंट आर्ट्स का मुजस्मा बनाया था, जिसमें ऊट था जो हमारे बलूची कल्चर से वाबस्ता रखता है। तो वो काफ़ी मशहूर हुआ। तो उसके बाद बार साहब मेरे अच्छे खासे दोस्त भी हैं, तो उसने मेरे को बताया कि आपके उस्ताद तो बहुत हो चुके हैं, दुनिया में चले गए, लेकिन आपने यानी इस चीज़ पे ज़्यादा तोजह की नहीं दी। तो मैंने बोला मैं यहाँ पे तो हम लोग आर्टिस्ट और उनको यहाँ पे ज़्यादा तोजह नहीं देते, मुझे वो आपका बात सही है, अगले दफ़ा जब प्रोग्राम होगा ग्वादर में तो मैं आपको इन्वाइट करूँगा। तो मैंने अपने टीम मेंबर, जैसे मेरा टीम मेंबर काशिफ था जो उस्ताद के भाई हैं, सेकेंड एडमिन है, और मेरा भाई है समीर और कबीर अहमद, जो भी वो भी मेरे मरहूम के भाई हैं। तो हम लोग चार पांच लड़के एक साथ होकर जो डेली प्रैक्टिस के लिए किनारे पे जाते थे, कभी गड्डानी कभी ओरमाड़ा बीच में, बस ट्राई करते थे। ट्राई करते करते तो सर बारहवीं साहब से मैंने मशवरा लिया, तो उसने मेरे को ज़्यादा तोजा दिए। तो 2019 में हम लोग बामसार और यज़म आजमान के जो प्रोग्राम हुआ ग्वादर में 2019 में, उसमें तकरीबन 20 टीमें थी, और उसमें बलूचिस्तान के यानी सारी बिल के जीवनी से लेकर था गडानी तक मुख्तलिफ टीमें थी, उसमें हिस्सा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह तो सेकंड पोजीशन मैंने अपने नाम कर दिया, अब जो मरहूम राशिद अकबर के नाम से था। तो अभी 2021 में वापस जश्न ग्वादर में प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे टीम ने पूरे आल बलूचिस्तान के औली नंबर यानी फर्स्ट पोजीशन लिया था। साथ में अपने उस्ताद सीनियर और जो पसनी के हैं और सर ज़ुबैर साहब, सर बहर अली गौर साहब और सर हुसैन सैफ साहब, उसके बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो उन लोगों ने बहुत मेहनत किया, जद्दोजहद किया, मैं जिसमें बीच आर्ट में हम लोग को भी यानी साथ में इस कदर पहुँचा दिया। जो मैंने ये जो साइंडार्स का जो मुजस्मा बनाया था, अभी आप देख सकते हैं कि एक घोड़ा है और एक बंदा बैठा हुआ है, तो उसमें उसके गोद में घोड़े का सर रखा हुआ है। असल में ये कि जो सब्जेक्ट होता है हम लोग का, वो आगे से लोगों को मैसेज देता है, मैन मौजू जो है वो है जो आगे बंदा देख ले, उसको कोई मौजू मिले, कोई कहानी मिले कि ये मुजस्मा क्या कह रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम काशिफ काश है, मैं गरन से ताल्लुक रखता हूँ, मैं एक साइंड आर्टिस्ट हूँ। मेरा जो उस्ताद है राशिद मरहूम राशिद अकबर, और मेरे उस्ताद हैं और मेरे भाई भी हैं बड़े, तकरीबन वो तो फौत हो चुके हैं अभी। मैं और मेरा एडमिन है जबीला, मैं अभी मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ। तकरीबन हम भी 2-3 साल से कभी ओरमाड़े बीच में कभी गड्ढा बीच में कहीं पे सेंटर बना रहे हैं। लोग
अगर आप लोगों को पसंद आया इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ब्लॉग लगातार बनाऊँ आगे बनाता जाऊँ तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग प्लीज। वैसे यहाँ मेरी उर्दू इतनी खास नहीं है तो प्लीज़ कंप्रोमाइज़ कीजिए। कोशिश करूँगा कि उर्दू को बेहतर से बेहतर बेहतरीन से बेहतरीन बनाऊँ, लेकिन गलतियों और मेरे उर्दू पे कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए। जो दिखा रहा हूँ उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। फिलहाल के लिए प्लीज़ अल्लाह हाफिज़।